एक ऐसे कप या गिलास ऐसे इसको इसमें रख देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए। इसी तरह हम बाकी के पैकेट्स को भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने तैयार कर लिया, अब दूध को इन पैकेट में डाल लेंगे। हमने इतना ही दूध डालना है जितना ये बिस्किट इसमें अच्छे से डिप हो जाए, जितना ये बिस्किट इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए बस इतना ही रखेंगे। ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे जिससे हम मिक्स भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी से। रख देंगे सेंटर में। हमने सारी स्टिक लगा दी हैं, अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे जब तक ये जम ना जाए। चलिए इसको भी हम फ्रीजर में रख देते हैं। और आपको एक बात और बताऊंगी कि अगर आपकी स्टिक ऐसे वैसे तो ये अच्छे से सेट हो जा रही है, अगर आपकी स्टिक अच्छे से सेट नहीं हो रही तो आप इसको क्या करोगे कि एक घंटा पहले आप इसको फ्रिज में रख दें, एक घंटे में थोड़ा सा ये सेट हो जाता है, उसके बाद आप इसमें आइसक्रीम स्टिक को रख सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आप स्टार्टिंग में भी ऐसे रखेंगे तो देखिए बहुत आराम से ये सेंटर में रखी गई है। देखिए इसको भी हमने फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया। हमने एक पैन में पानी बॉईल किया और उसके ऊपर हमने एक बाउल में ये चॉकलेट मेल्ट होने के लिए रख दी है। ये देखिए चॉकलेट हमने मेल्ट कर ली है, अब हम इसमें ये नट्स डालेंगे, या तो आप पी नट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये बादाम लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आइसक्रीम अच्छे से अभी जम गई है, इसको अभी हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जम गई है। इसको अच्छे से कोटिंग करने के बाद चॉकलेट से इसको हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये चॉकलेट इस पे अच्छे से सेट हो जाए। हम इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए रख देंगे।